Good morning, students. Welcome to online classes from Guru Tegh Bahadur College for Women, Lehelkurd. आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेबनीज थ्योरम. लेबनीज थ्योरम करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं. अब देखो, इसका यूज़ हम करते हैं कि जब हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. अब देखो, जैसे कि हमें कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम y1 फाइंड आउट कर देंगे. अगर सेकंड बोलेगा तो सेकंड, यानी पहले 1 निकाल के फिर उसका सेकंड. ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही हम डेरिवेटिव कर सकते हैं हमें हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो. लेकिन अगर ये हमें बोले कि इस फंक्शन का कोई भी हमारे पास यू वी में, यानी एक्स मल्टीप्लाई में कोई दो फंक्शन है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है लेकिन nth ऑर्डर में. किस में करना है? nth ऑर्डर में. तो वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? लेबनीज थ्योरम यूज़ करेंगे. तो हमें लेबनीज थ्योरम का रीज़न पता चला कि हमें लेबनीज थ्योरम कहाँ पे यूज़ करनी है, जब हमें डेरिवेटिव बोलेगा वो nth ऑर्डर में, ठीक है. तो लेबनीज थ्योरम, सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे. इफ़ u एंड v आर फंक्शन है, यानी u और v, जैसे हमारे पास y इक्वल टू x साइन x, ऐसे कोई भी फंक्शन दे रखा है, यानी ये u हो गया, ये v हो गया. तो हमारे पास कोई दो फंक्शन है u और v, आर फंक्शन ऑफ पासिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हमने कौन सा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है? nth ऑर्डर. देन uv, यानी u भी कोई फंक्शन है और v भी, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो कैसे होगा? n c 0 u n, यानी जो ये u मानेंगे उसका nth ऑर्डर, v 1, v जो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट पे होगा, फिर n c 1 u n माइनस 1 v 1. जो इन दोनों का डिफरेंस है वो तो u में आएगा और जो यहाँ पे है वो v की पावर बनेगी. ऐसी एन सी टू यू की यू एन माइनस टू वी टू एंड सो ऑन. एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर एन सी एन यू वी एन. अब हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि ये कैसे बनी. प्रूफ में हमारे पास क्या है? वी है. अब हमारे पास कोई दो फंक्शन है, जब हम, और एक चीज़ और, हम इसे प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे. जैसे हम करते हैं कि पहले हम n इक्वल टू वन को प्रूफ कर देते हैं, फिर n इक्वल टू k को लेट करके चलते हैं, फिर k प्लस वन के लिए प्रूफ करके दिखा देते हैं. सेम ऐसे ही लेबनीज थ्योरम को हम प्रूफ करके दिखाएंगे. अब हमारे पास क्या है? यू वी कोई दो फंक्शन है. यू वी का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले क्या होगा? यू का डेरिवेटिव यू वन, वी सेम, फिर वी यू सेम वी का डेरिवेटिव. जो वी का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या बन गया? वी वन. और इसको हम लिख सकते हैं वन सी ज़ीरो यू वन वी वन, वन सी वन यू वी वन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो यू में आता है और जो यहाँ पे होता है वो वी में. इन दोनों का डिफरेंस जीरो होगा वो ये. तो इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं. देन जो हमारा रिजल्ट था ट्रू हो गया. कब, किसके लिए? जब एन इक्वल टू वन था. नेक्स्ट हम लेट करेंगे. लेट दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम. बस यहाँ पे फ़र्क कुछ नहीं है. वहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम k लेते हैं, यहाँ पे हम m को लेके चलिए. अब हमें क्या करना है? m के लिए करना है. तो m के लिए हम क्या करेंगे? एम सी ज़ीरो, यानी जीरो से शुरू करेंगे और यहाँ पे m तक जाएंगे. यहाँ पे एम सी ज़ीरो से लिया और एम सी m तक जाएंगे, जहाँ पर ये प्रूफ होगा. एम सी ज़ीरो, जब ये इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो m आएगा और जो ये ज़ीरो है वो ये. फिर एम सी वन, यानी ये कम बढ़ता जाएगा. पहले ज़ीरो था, फिर वन, फिर टू, फिर r माइनस वन, फिर r, फिर m. इसका रूल ही ऐसे है. एम सी वन करा है तो इन दोनों का डिफरेंस u की पावर में और जो यहाँ पे वन है वो v. सेम ऐसे ही एम सी टू है, वो डिफरेंस यहाँ पे आ गया और v टू सेम. r माइनस वन किया तो m माइनस, जब माइनस r माइनस वन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और v की पावर r माइनस वन सेम. ऐसे ही r, फिर एम सी एम, एम माइनस एम जीरो हो गया और v की पावर m. तो कहता है अब ये हमने जो लेट किया था वो हमने बोल दिया कि ये तो ट्रू है ही है. नेक्स्ट हमें m प्लस वन के लिए करना है. तो हम क्या करते होते हैं? जो हमने लेट किया है, जो हम k वाली टर्म लेके चलते हैं, यानी n इक्वल टू m, उसको हमने ट्रू मान के उसका यूज़ करके m प्लस वन के लिए हम प्रूफ करेंगे. तो वो प्रूफ करने के लिए क्या किया? इन दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग कर दिया. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट. तो हमने क्या किया? जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, जैसे हम y1 का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है? y2. सेम ऐसे ही n का करेंगे तो वो क्या होगा? n प्लस वन, यानी एक बढ़ता जाएगा. तो ऐसे ही जब हमने m का डेरिवेटिव किया तो वो क्या हो गया? m प्लस वन. अब ये दो फंक्शन है,
एक यू एक वी, तो हम इस पे भी यू वी लगाएंगे। एम सी ज़ीरो तो सेम ही चला, अब यू एम का डेरिवेटिव किया तो एम प्लस वन और वी सेम, प्लस एम सी ज़ीरो सेम, यू एम सेम और वी का डेरिवेटिव किया वी वन। सेम ऐसे ही नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, एम सी वन सेम, यू एम एम माइनस वन का डेरिवेटिव किया, जब इसमें वन प्लस करेंगे तो वन से वन कैंसिल, तो यू एम बच गया वी वन, प्लस फिर ये सेम वी वन का डेरिवेटिव किया वी टू। सेम ऐसे ही हम इन सारे टर्म्स का डेरिवेटिव करेंगे। फिर नेक्स्ट किसका है, एम सी आर आर माइनस वन, यू एम माइनस आर प्लस टू, क्योंकि वहाँ पे वन था, फिर वी आर माइनस वन सेम, फिर ये वाली टर्म सेम, इसका डेरिवेटिव किया वी आर, एंड सोन हमने डेरिवेटिव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो एम सी वन वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया। अब देखो यू एम प्लस वन एम सी ज़ीरो, यू एम प्लस वन वी, यानी एम सी ज़ीरो यू एम प्लस वन वी, इसको तो हमने क्या किया सेम यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, एम सी ज़ीरो एम सी ज़ीरो प्लस एम सी वन यू एम वी वन, यहाँ पे भी यू एम वी वन है और यहाँ पे भी यू एम वी वन है, यानी इस टर्म को और इस टर्म को, क्योंकि ये प्लस में ही है, इन दोनों में से यू एम वी वन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, एम सी ज़ीरो प्लस एम सी वन, वही हमने यहाँ पे लिखा है एम सी ज़ीरो प्लस एम सी वन, इन दोनों को प्लस में लिख लिया और यू एम वी एन कॉमन। सेम ऐसे ही नेक्स्ट दो टर्म्स में से यू एम माइनस वन वी टू ये कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐसे ही सारी टर्म में से हमने कॉमन निकाल दिया। अब जो हमारे पास एम सी ज़ीरो है वो किसके इक्वल होता है, वन के, एम प्लस ये भी, ठीक है, तो एम सी ज़ीरो प्लस एम सी वन जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एम प्लस वन सी वन, यानी जब हम एम सी ज़ीरो एम सी वन को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, एम प्लस वन सी वन। सेम ऐसे ही वन और टू को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एम प्लस वन और टू हो जाएगा, जब एम आर माइनस वन आर को करेंगे तो ये एम प्लस वन सी आर, ऐसे ही एम सी एम ये सारा किसके बराबर होगा, एम प्लस वन सी एम प्लस वन। तो अब हम इन सारी टर्म्स की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हम जब ये वैल्यूज़ पुट की तो यहाँ पे क्या बन गया, एम प्लस वन सी ज़ीरो यू एम प्लस वन वी, एम सी मतलब जहाँ पे सारे कहीं एम था वहाँ पे सारे कहीं क्या आ गया हमारा, एम प्लस वन, यानी जो हमारा रिजल्ट था वो ट्रू हो गया। पहले हम लेके किसके लिए चले थे, एम के लिए, प्रूफ किसके लिए कर दिया, एम प्लस वन के लिए, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में के लिए ट्रू लेके चलते हैं और के प्लस वन के लिए प्रूफ कर देते हैं, बस यहाँ पे सिर्फ जो इसका वेरिएबल है वो चेंज हुआ है, के की जगह पे एम आ गया, बाकी सारा मैथमेटिकल इंडक्शन के वे से ही प्रूफ किया है। थ्योरम इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस वन, द इफ़ द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम, तो हमने वही मैथमेटिकल इंडक्शन वाली सारी कंडीशन लिखी है कि जब रिजल्ट एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू है देन इट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो ये ऑल्सो ट्रू है एम प्लस वन के लिए भी, कहता और इसके लिए हम ट्रू करके ही आए थे, देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम ट्रू इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। तो हम इस तरीके से इस रिजल्ट का यूज़ करके किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारी लेबनिट्ज़ थ्योरम थी। अब इसी के बेस पे हम एक एग्जांपल करेंगे, y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, यानी हमारे पास कोई फंक्शन है ई एक्स और साइन एक्स, तो ये जब हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ये तब यूज़ होते हैं जब दो फंक्शन ऐसे दे रखे हैं u और v, ना तो u का डेरिवेटिव ख़त्म होता और ना ही v का, तो हम वहाँ पे लेबनिट्ज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको तो u लेट कर लिया और इसको v, यानी u इक्वल टू हमारे पास है ई एक्स और v इक्वल टू है हमारे पास साइन एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर हमने u1 निकालना है ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और u2 निकालेंगे यानी इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे फिर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ऐसे ही u3 निकाल लेंगे तो भी क्या होगा ई एक्स, एंड सो ऑन। अगर यू एन निकालेंगे सेम ही तो चल रहा है, तो हम सीरीज़ बना दी कि इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा ई एक्स। अब हम वी वन निकालेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स,
कोस एक्स, लेकिन अब अगर हम इसका सीधा वी टू निकाल देंगे तो ये तो फिर साइन एक्स आ जाएगा, उससे हमारी सीरीज नहीं हमें पता चलेगी कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसीलिए हम वी वन इसको चेंज करेंगे साइन में, साइन में जब चेंज करेंगे एक्स प्लस पाई बाई टू यानी 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करके हमने अगेन साइन में ही बना लिया। अब फिर क्या करेंगे जब वी टू निकालेंगे तो ये फिर कॉस बनेगा, कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू, लेकिन इसको फिर हमें साइन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें सीरीज चाहिए, तो हम जब इसकी सीरीज बनाएंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 2 पाई बाय 2। ये कैसे बनेगा जब हम इसको एक बार और प्लस करेंगे, यानी ये तो हमारे पास पूरा थीटा हो गया, जैसे देखो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, यानी ये सारा हमारे पास थीटा हो गया, इसको पाई बाय 2 में ऐड किया तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो इसको हम 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हैं। हमने इसको ऐड इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें आगे सेटिंग भी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए इसको सेम ऐसे ही जब वी थ्री निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे 3 पाई बाय 2। अब देखो जब 1 था तो यहाँ पे 1 था, 2 था तो यहाँ पे 2 था, 3 है तो यहाँ पे 3 है, तो ऐसे ही अगर हम वी एन निकाल लेंगे तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस एन, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेबनिट्ज थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या था हमारे पास यू वी उसकी पावर एन, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था ना, यानी वाई एन का वाई एन nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, इसका फॉर्मूला क्या था एन सी ज़ीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन, यानी इन दोनों का डिफरेंस तो यू की पावर में होगा और इन दोनों का डिफरेंस और जो यहाँ पे वी है वो यहाँ पे होगा प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू और यहाँ पे वी टू प्लस एंड सो ऑन एन सी एन यू ज़ीरो हो जाएगा और वी एन। अब इसमें हम वैल्यू सारी पुट करेंगे, एन सी ज़ीरो इसको सॉल्व करेंगे ये तो हमारे पास होता है वन, और यू एन, यू एन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया ई एक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। वी वी जो हमारे पास सिंपल था, वी हमारे पास क्या था साइन एक्स, उसको हम यहाँ पे साइन एक्स लिख देंगे प्लस, फर्स्ट तो हो गया एन सी वन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास एन, ये हमने ये किया भी हुआ है एन सी वन एन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन को खोलेंगे एन माइनस वन से एन माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा एन, तो ये फैक्टोरियल वाला जो हमने इलेवंथ ट्वेल्थ में भी किया है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और यू एन माइनस वन इसका डेरिवेटिव हमारे पास हम कितना भी कर देते वो क्या होता ई एक्स, और वी वन, वी वन हमारे पास क्या आया था साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, तो यहाँ पे करेंगे साइन एक्स प्लस पाई बाई टू प्लस एन माइनस एन सी टू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल यू एन माइनस टू, यू का डेरिवेटिव हम कुछ भी कर रहे थे सेम ही आ रहा था ई एक्स, और वी टू का डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था यहाँ पे वैल्यू निकाली भी है साइन एक्स प्लस टू इंटू पाई बाई टू, साइन एक्स प्लस टू पाई बाई टू प्लस एंड सो। अब nth डेरिवेटिव क्या होगा एन सी एन, तो हमारे पास वन नहीं आएगा, यू नॉट हमारे पास ई एक्स था, और वी एन हमारे पास क्या था साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू। अब यहाँ पे ई एक्स है, यहाँ पे भी ई एक्स है, यहाँ पे भी ई एक्स है, यहाँ पे भी, तो इन सारे में से ई एक्स तो हमारा क्या आएगा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जब कॉमन निकाल दिया यहाँ पे बचा साइन एक्स, यहाँ पे बचा एन साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे क्या बचा एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल और साइन एक्स प्लस टू इंटू पाई बाई टू प्लस, फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचा था साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू। तो यही इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं हमारी लेबनिट्ज थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, जब भी हमारे पास कोई दो फंक्शन होंगे जिन दोनों का डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होता यूवी फॉर्मूला लगाने से।
हाँ जी, जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी हम किससे करेंगे, लेबनीज थ्योरम से, ठीक है। और लेबनीज थ्योरम में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन दिया होता है उसको हम यू मानते हैं एक को, दूसरे को वी। वी हम वैसे तो उसको मानते होते हैं जिसका कि डेरिवेटिव ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं, ना तो लोग एक्स का डेरिवेटिव फिनिश होता और ना ही यू का, तो इसीलिए हमने वी को लेट कर लिया लोग एक्स। और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे वी वन, वो क्या होता है 1/x। अब एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1। सेम ऐसे ही इसका डेरिवेटिव सेकंड निकालेंगे वी टू, -1 आगे आ जाएगा एक्स की पावर -2। सेम ऐसे ही वी थ्री निकालेंगे, -2 आगे आ जाएगा एक्स की पावर -3। ऐसे ही वी फोर निकालेंगे, -1 -2 -3 एक्स की पावर -4, एंड सो ऑन वी एन, यानी इसका एन ने थोड़ा डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, जब हमने -1 देखा, यहाँ पे एक भी नहीं था, यहाँ पे जब सेकेंड डेरिवेटिव है -1 एक बार है, थर्ड डेरिवेटिव है तो 2 times है, फोर्थ डेरिवेटिव है तो 3 times है, यानी 1 times कम हो रहा है। तो इसीलिए जो इसका n है थोड़ा डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, -1 की पावर n-1। और उसके साथ 1, 2, 3 जब फोर्थ है तो ये 1, 2, 3 तक है, यानी एक कम तक है, 2 था तो अकेला 1 था। सेम ऐसे ही जब n करेंगे तो ये बनेगा 1, 2, 3 एंड सोन n-1, यानी एक कम तक। सेम ऐसे ही जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, यहाँ पे पावर 1 थी, सेकंड किया तो यहाँ पे पावर 2 थी, थर्ड किया तो यहाँ पे पावर 3 थी, फोर्थ किया तो यहाँ पे पावर 4 थी, बट ये नेगेटिव थी सारी। अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये डिवाइड में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम वी एन क्या लिख सकते हैं, -1 उसकी पावर n-1, और ये किसका फैक्टोरियल बनेगा, n-1 का डिवाइड बाय xn, यानी जो वी एन वी फंक्शन था उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, ये। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, u का भी डेरिवेटिव nth ऑर्डर तक फाइंड आउट करेंगे। u 1 निकालेंगे तो -1, क्योंकि इसको भी ऐसे लिखेंगे -1 आगे -2। u 2 निकालेंगे -1 -2 एक्स की पावर -3। यू थ्री निकालेंगे -1 -2 -3 एक्स की पावर -4, एंड सो ऑन यू एन निकालेंगे। अब देखो, -1 जब 1 था तो एक बार था, 2 था तो 2 times था, 3 था तो 3 times था, ठीक है। तो ऐसे ही जब वो एन टाइम्स होगा तो एन आएगा, और एक्स की पावर क्या बनेगी हमारे पास, और ऐसे ही ये 1, 2, 3 एंड सोन एन तक जाएगा, 3 था तो 1, 2, 3 था, तो एन होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, एन तक। एक्स की पावर क्या बन जाएगी, एन। तो यू एन हमारे पास क्या आया, -1 n फैक्टोरियल, इसको हम फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन। तो हमने वी एन भी निकाल दिया और यू एन भी निकाल दिया। अब हम लगाएंगे लेबनीज थ्योरम। जो हमने थ्योरम की थी तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। u v, तो हमारे पास फंक्शन क्या है u v में, dn dxn, u हमारे पास था 1/x और ये था log x। अब हम यही डेरिवेटिव थ्योरम में पुट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या था, एन सी ज़ीरो, तो जब हम एन सी ज़ीरो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यू एन, यू एन और वी ज़ीरो प्लस, फिर एन सी वन करेंगे, यू एन -1 क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यू में आता है, और वी वन प्लस, फिर करेंगे एन सी टू, यू एन -2 वी टू प्लस, एन सी थ्री, यू एन -3 वी थ्री, एंड सो ऑन जाता जाएगा, एन सी एन, यू ज़ीरो वी एन,
ठीक है। अब इसमें हम लेबनीज थ्योरम में जो जो हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं वी एन यू एन ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एन सी ज़ीरो को खोलेंगे तो वो तो होता है एन फैक्टोरियली, सॉरी वन होता है, ठीक है। और यू एन, यू एन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी माइनस वन उसकी पावर एन, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स की पावर एन। वी ज़ीरो, वी ज़ीरो का मतलब है जो हमारे पास वी दे रखा था लॉग एक्स प्लस। फिर हमने एन सी वन खोलना है, एन सी वन को हम खोलते कैसे हैं, एन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो हम वही लगाएंगे एन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन ही हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल यू एन माइनस वन। अब यू एन माइनस वन का मतलब क्या है कि जब हमने एन निकाला तो यहाँ पे एन पावर थी तो यहाँ पे माइनस वन की एन माइनस वन आएगा। सेम ऐसे जब एन निकाला एन फैक्टोरियल था यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल आएगा डिवाइड बाई एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई क्या पुट करना था वी वन, वी वन हमारे पास क्या था वन बाय एक्स, ठीक है। हमने पहले यू एन पुट किया वी जीरो, फिर यू एन माइनस वन किया वी वन, फिर सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म करते हुए एन वाली टर्म पुट कर देंगे एन एस एन सी एन यू ज़ीरो, यू ज़ीरो का मतलब क्या पुट करना है वन बाई एक्स, और वी एन, वी एन मतलब ये पुट करना है माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स एन। और एन सी एन को खोलेंगे तो वो क्या आएगा एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, ये तो कट के हमारे पास क्या आ गया वन। अब हमें देखना है कि इस चीज़ में क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो हम निकाल सकते हैं माइनस वन की पावर एन, तो हमने बाहर कॉमन निकाल दिया माइनस वन की पावर एन, और एक और आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स एन प्लस वन। तो हमारे पास जो अंदर था माइनस वन एन फैक्टोरियल ये सारा कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा लॉग एक्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा लॉग एक्स। सेम ऐसे ही ये हमने इसमें से n फैक्टोरियल तो बाहर कॉमन निकाल दिया, इस n से ये वाला कैंसिल, माइनस वन की n माइनस वन था इसमें से n तो बाहर निकाल दिया ये वाला बचेगा, तो इसका मतलब माइनस वन बच गया यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया और क्या बचेगा वन, कुछ भी नहीं वन, क्योंकि देखो इन दोनों को ऐड करेंगे वन से वन कैंसिल, x की n हमने कॉमन निकाल ही दिया। फिर अगली टर्म में बचेगा माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री एंड सो ऑन वन बाय एन, यही हमने प्रूफ करना था बाय लेबनीज थ्योरम। नेक्स्ट जो हमारा सम है वो हमारे पास दे रखा है वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, यानी अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसमें यू वी तो है ही नहीं हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक ही फंक्शन है, देन हम इस पर कैसे लेबनीज थ्योरम प्रूव करेंगे वो देखेंगे। पहले हमने y1 निकालना है, y1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 आगे, पहले पावर का करते होते हैं साइन हाइपरबोलिक x सेम, फिर हमने किसका करना है इनवर्स का यानी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस रूट को इधर लेके जाएंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू टू साइन इन हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है। अब हमें ये रूट ख़त्म करना है क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इसका रूट तो हमारे पास क्या होगा कैंसिल, और इस सारे पे स्केयर करेंगे तो टू का स्केयर फोर, और साइन हाइपरबोलिक एक्स उसकी फिर क्या बनेगा स्केयर, देन हम इसका फिर दोबारा अगेन डेरिवेटिव करेंगे। अगेन इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे इन दोनों पे यू वी लगाएंगे, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर से यू सेम वी डेरिवेटिव, वाई वन डेरिवेटिव क्या होगा वाई वन की स्क्वायर था ना क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करा था, टू पहले पावर का किया फिर वाई वन का करेंगे वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर सेम
और इसका डेरिवेटिव करेंगे वो क्या होगा, माइनस टू एक्स इक्वल टू, एक चीज और हम यहाँ पे अकेला साइन का नहीं करें, साइन हाइपरबोलिक का करें, उसका डेरिवेटिव होता है प्लस में, देन यहाँ पे क्या होगा प्लस टू एक्स बाय वन होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इसका करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास y1 की ना, देन 4 क्योंकि हमारे पास y यही दे रखा था, y का डेरिवेटिव हम अगेन करेंगे तो वो क्या बनेगा y1, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू वाई वन वाई टू प्लस टू एक्स वाई वन स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई वन, इसमें से वाई वन कॉमन आ रहा है, इसमें से वाई वन कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा टू वाई टू बचेगा और यहाँ पे टू एक्स वाई वन, इस सारे में से हमने वाई वन कॉमन निकाल दिया इक्वल टू फोर वाई वन, इस वाई वन के साथ ये वाई वन कैंसल, तो हमारे पास इक्वेशन बच गई वन प्लस एक्स स्क्वायर टू आगे वाई टू प्लस टू एक्स वाई वन इक्वल टू फोर। अब देखो यहाँ पे भी टू था यहाँ पे भी टू था तो टू भी कैंसिल हो सकते हैं ना, तो इससे टू से इसको कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा वन प्लस एक्स वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू टू, ये हमारे पास बच गई इक्वेशन। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की अब हम डिफरेंशियल निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स, कितने टाइम्स फाइंड आउट करना है, एन टाइम्स बाय लेबनीस थ्योरम, ठीक है, तो अब लेबनीस थ्योरम से हम क्या करते थे एन सी ज़ीरो, जब हम ये v हो गया और ये u क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास ख़त्म होता है, अब इसका n है थोड़ा डेरिवेटिव करेंगे तो वो बनेगा n प्लस टू और u का डेरिवेटिव कर दिया v से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन करेंगे इसका 1 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे n प्लस वन और इसका आएगा 2x, नेक्स्ट करेंगे एन सी टू तो इसका करेंगे वाई एन बनेगा और इसका करेंगे टू। अब देखो अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव हम वी का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा जीरो, तो इसीलिए हम इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी इतने इतने फंक्शन का हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। अब हम करेंगे इसका nth ऑर्डर प्लस यू सेम वी, हम उसको मानते हैं जिसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाए, यानी सेम वही एन सी ज़ीरो, यहाँ पे क्या करेंगे इसका एन थोड़ा डेरिवेटिव करेंगे तो वाई एन प्लस वन और एक्स सेम प्लस एन सी वन वाई एन और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, आगे तो कुछ भी डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता, देन ये हमारे पास बच गया एन सी ज़ीरो कर दिया एन सी वन कर दिया, अब उसके आगे तो कुछ भी नहीं था तो हमने क्या किया बाकी सारा ज़ीरो, टू का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास ज़ीरो ही। अब उसके बाद हमें क्या करना है सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, यानी एन सी ज़ीरो को एन सी वन को एन सी टू को यहाँ पे एन सी ज़ीरो को एन सी वन को, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये तो हमारे पास किसके इक्वल होता है वन के ही, तो ये तो वन ही हो गया, वाई एन प्लस टू बचा यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एन सी वन को खोलेंगे वो बचेगा एन वाई एन प्लस वन इंटू टू एक्स, एन सी टू को खोलेंगे तो वो हमारे पास बचेगा एन एन माइनस वन वाई एन और ये टू हमारे पास मल्टीप्लाई में बढ़ रही है प्लस एन सी ज़ीरो को फिर खोलेंगे वो सारा ही ख़त्म वाई एन प्लस वन इंटू एक्स, एन सी वन को खोलेंगे वो फिर क्या आएगा एन वाई एन इक्वल टू ज़ीरो।
अब हमें क्या करना है, वाई एन प्लस टू और तो कोई है ही नहीं, तो ये तो हमारी टर्म क्या आएगी, सेम वाई एन प्लस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हमारे पास एन है वाई एन प्लस वन, ये भी हमारे पास वाई एन प्लस वन। तो इसमें से हम एक क्या कर सकते हैं, एक तो वाई एन प्लस वन कॉमन निकाल सकते हैं और एक एक्स, तो अंदर क्या बचेगा 2n और इसकी जगह पे क्या बचेगा 1। ये भी वाई एन है और ये भी वाई एन, दोनों में से प्लस n और वाई एन कॉमन आएगा और अंदर बचेगा, इसमें तो बचेगा एक n माइनस वन और एक 2, 2 इंटू एन माइनस वन और यहाँ पे बचेगा 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा क्या होगा आंसर बाय लेबनिस थ्योरम। तो सेम ऐसे ही हम लेबनिस थ्योरम से हमारे किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे log x बाई एक्स था तो हमने v और u लेट किया और उस पर क्या किया, जहाँ पे अब इन दोनों फंक्शंस में तो किसी का भी डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होता था, बट हमें ये ध्यान रखना है अगर हमारे पास दो कोई फंक्शन ऐसे हैं कि जिनका डेरिवेटिव फिनिश होता है तो उसको हम v लेट करेंगे, क्योंकि हमें ये सीरीज़ को ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो हमने पहले एक फंक्शन को वी लेट किया, एक को यू, उसका डेरिवेटिव, अब इन दोनों का ही डेरिवेटिव फिनिश नहीं हो रहा था इसीलिए हमने nth ऑर्डर तक दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। तो फिर उस पर कौन सी थ्योरम लगाई, लेबनिस थ्योरम। सेम ऐसे ही हमें नेक्स्ट सम में भी यही किया, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, सेकंड ऑर्डर किया, लेकिन इसमें हमारे पास यू और वी नहीं था, सिर्फ एक ही फंक्शन था तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि हमें यू और वी लेट करना पड़े। बट अगर हमें इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोलता है वो, तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया, इक्वेशन बनाई, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये बन गया। तो अब उसके बाद हमने क्या किया था, इसका nth टाइम्स डेरिवेटिव। अब देखो ये दो फंक्शन बने थे, इन दोनों में से u किसको लेंगे, v किसको लेंगे, डेरिवेटिव इसका फिनिश हो रहा था तो इसको हमने v लिया और इसको u लिया। सेम ऐसे ये भी दो फंक्शन थे, इन दोनों में इसका डेरिवेटिव फिनिश हो रहा था तो इसको v लिया और इसको u लिया, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे 2x आएगा, सेकंड करेंगे x आएगा, थर्ड करेंगे 1 और उससे नेक्स्ट वो ख़त्म ही हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको v लेट किया जिसका डेरिवेटिव ख़त्म होता हो। सेम ऐसे x का फर्स्ट करेंगे 1 आएगा, सेकंड करेंगे 0 आएगा, तो इसीलिए हमने इसको v लिया। तो सेम ऐसे ही हम u v लेट करके लेबनिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और लेबनिस थ्योरम एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, एन सी ज़ीरो यू एन वी नॉट, यानी पहले यू एन आता है वी ज़ीरो, यू यू का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, फिर और जो यहाँ पे होता है वो वी होता है, एन यू क्या होएगा एन माइनस वन और वी क्या होगा 1, यू क्या होगा एन माइनस टू वी क्या होगा 2, यू क्या होगा एन माइनस थ्री और वी क्या होगा 3 एंड सो ऑन, इन दोनों का डिफरेंस 0 और यहाँ पे जो है वो एन। तो यही हमारी क्या है, लेबनिस थ्योरम। ठीक है, तो आप इससे एग्जांपल्स और ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।